आउटपुट ऑब्जेक्टिव्स। इस लेसन को करने के बाद आप जान सकेंगे आउटपुट क्या है, इसकी कितनी किस्में हैं, आम इस्तेमाल होने वाली आउटपुट डिवाइसेस कौन सी हैं। कंप्यूटर के बारे में अभी हमने ये देखा कि कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर को इनपुट कैसे दी जाती है और इसके साथ कौन सी इनपुट डिवाइसेस लगाई जाती हैं। अब हम देखेंगे कि कंप्यूटर से आउटपुट कैसे ली जाती है। जिस तरह इनपुट से मुराद कंप्यूटर को इन्फॉर्मेशन देना है, उसी तरह आउटपुट से मुराद कंप्यूटर से इन्फॉर्मेशन लेना है। आउटपुट की तफसील हम पहले भी बयान कर चुके हैं, अगर आप चाहें तो इसी मॉड्यूल के सेक्शन इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर से आप इसे रिवाइज कर सकते हैं। टाइप्स ऑफ आउटपुट। कंप्यूटर से हासिल होने वाली आउटपुट दो किस्म की हो सकती है। आउटपुट की पहली किस्म वो है जो हम सिर्फ कंप्यूटर्स की स्क्रीन पर ही देख सकते हैं, यानी वो आउटपुट जो कंप्यूटर के इस्तेमाल के बगैर नहीं देखी जा सकती, इसे सॉफ्ट कॉपी कहते हैं। बाज़ औक़ात आपको कंप्यूटर की मदद से किया हुआ काम किसी कागज पर मुंतकिल करने की जरूरत होती है। इस किस्म की सूरत हाल में आपको कंप्यूटर से जो आउटपुट दरकार होती है उसे हार्ड कॉपी कहते हैं, यानी हार्ड कॉपी कंप्यूटर की वो आउटपुट है जिसे हम अपने हाथ से छू सकते हैं और जिसको बार बार देखने के लिए कंप्यूटर का इस्तेमाल जरूरी नहीं होता। इस तरह हमने देखा कि कंप्यूटर हमें दो किस्म की आउटपुट देता है, यानी हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी। अब हम देखते हैं कि हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी की मदद से हम किस किस्म का डेटा या इन्फॉर्मेशन कंप्यूटर से हासिल कर सकते हैं। सबसे पहले टेक्स्ट यानी लिखाई एक आउटपुट की किस्म है। रोजमर्रा की जिंदगी में खत, मेमो और रसीदें इस किस्म की आउटपुट की मिसाल हैं। इसके अलावा कंप्यूटर से ग्राफिक्स यानी तस्वीरों की आउटपुट भी हासिल की जाती है। आवाज या साउंड भी एक कंप्यूटर आउटपुट की किस्म है जो कि स्पीकर्स की मदद से कंप्यूटर में से सुनी जा सकती है। अगर हम इन तीनों कंप्यूटर आउटपुट की किस्मों को मिलाकर उनका इस्तेमाल करें तो ये मल्टीमीडिया आउटपुट कहलाएगी, क्योंकि इसमें एक से ज्यादा आउटपुट मीडियम्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं। मल्टी का लोकवी मायने है एक से ज्यादा। मसलन रोजमर्रा की जिंदगी में कोई सा भी काम या प्रोजेक्ट को बेहतर तरीके से करने के लिए हम प्रेजेंटेशंस का इस्तेमाल करते हैं। इन प्रेजेंटेशंस में टेक्स्ट, इमेजेस, ग्राफ्स और ऑडियो यानी आवाज का इस्तेमाल किया जाता है। आप कंप्यूटर के जरिए मल्टीमीडिया इस्तेमाल करके ये काम ज्यादा आसानी और बेहतर तरीके से कर सकते हैं। आउटपुट डिवाइसेस। आउटपुट लेने के लिए जिस डिवाइस की जरूरत होती है उसे आउटपुट डिवाइस कहा जाता है। आम इस्तेमाल होने वाली आउटपुट डिवाइसेस में प्रिंटर्स, मॉनिटर्स और स्पीकर्स शामिल हैं। आइए हम इन आउटपुट डिवाइसेस का तफसील से जायजा लेते हैं। प्रिंटर्स। प्रिंटर एक ऐसी डिवाइस है जो कंप्यूटर पर महफूज किया हुआ टेक्स्ट और इमेजेस एक कागज पर मुंतकिल करने के लिए इस्तेमाल होता है। इसका मतलब ये है कि किसी भी इन्फॉर्मेशन की हार्ड कॉपी हासिल करने के लिए हमें प्रिंटर की जरूरत होती है। प्रिंटर्स कई किस्म के होते हैं। इस वक्त आप मुख्तलिफ किस्म के प्रिंटर्स स्क्रीन पर देख रहे हैं। हम इन सबको बारी बारी तफसील से देखेंगे। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर्स। इस किस्म के प्रिंटर को डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर कहा जाता है। ये नाम डॉट मैट्रिक्स दो अल्फाज को जोड़कर बनाया गया है जो कि डॉट और मैट्रिक्स हैं। डॉट एक नुक्ते को कहते हैं जबकि मैट्रिक्स नुक्तों के मजमुए की एक खास शक्ल को कहते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर एक टाइपराइटर की तरह काम करता है। इसमें नुक्तों की मदद से कागज पर अल्फाज बनाने और छापने के लिए पिन्स इस्तेमाल होती हैं। ये पिन्स इंक रिबन पर जाकर लगती हैं, जिसकी वजह से इंक पेपर पर मुंतकिल हो जाती है। एक पिन से एक नुक्ता बनता है और बहुत से नुक्ते मिलकर एक कैरेक्टर बनाते हैं, जैसे कि आप स्क्रीन पर नुक्तों की मदद से कैरेक्टर लिखा हुआ देख रहे हैं। ये एक वक्त में एक कैरेक्टर प्रिंट करता है। आमतौर पर डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर एक सेकंड में 300 कैरेक्टर्स प्रिंट करता है। ये सबसे पुरानी प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी है।
मशहूर डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर्स में एप्सॉन और माइक्रोलाइन डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर्स शामिल हैं। लाइन प्रिंटर्स, ये जो प्रिंटर अब आप स्क्रीन पर देख रहे हैं इसको लाइन प्रिंटर कहते हैं। ये प्रिंटर भी डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की तरह है, अलबत्ता इसे लाइन प्रिंटर इसलिए कहते हैं क्योंकि ये एक वक्त में एक कैरेक्टर की बजाय एक लाइन प्रिंट करता है। इसमें भी पिंस एक लाइन और चेन की सूरत में लगी होती हैं। इन पिंस की मदद से एक लाइन के तमाम कैरेक्टर्स इकट्ठे प्रिंट होते हैं। ये स्पीड और क्वालिटी के लिहाज से डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर से ज्यादा बेहतर होता है। आमतौर पर लाइन प्रिंटर की मदद से एक मिनट में 1200 लाइंस प्रिंट की जा सकती हैं। तेज तरीन लाइन प्रिंटर्स में टैली T6218 और प्रिंट्रॉनिक्स P5220 शामिल हैं। लेजर प्रिंटर्स, ये देखिए, ये दुनिया के सबसे बेहतरीन किस्म के प्रिंटर की एक तस्वीर है। इस किस्म के प्रिंटर को लेजर प्रिंटर कहते हैं। ये प्रिंटिंग की क्वालिटी के लिहाज से दूसरे प्रिंटर से काफी बेहतर होता है। ये एक फोटोकॉपियर मशीन की तरह काम करता है। लेजर प्रिंटर आमतौर पर एक वक्त में एक लाइन या लफ्ज छापने की बजाय एक साथ पूरा पेज छापता या प्रिंट करता है। आमतौर पर इसके जरिए एक मिनट में 6 पेजेस प्रिंट किए जा सकते हैं। लेजर प्रिंटर्स में पाउडर्ड इंक एक कार्ट्रिज में डालकर इस्तेमाल की जाती है। मगर ये प्रिंटर्स कीमत में दूसरे प्रिंटर्स के मुकाबले में कुछ महंगे होते हैं। ज्यादा इस्तेमाल होने वाले लेजर प्रिंटर्स में HP लेजर जेट और सैमसंग शामिल हैं। इंक जेट प्रिंटर्स, अब जो प्रिंटर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं इसे इंक जेट प्रिंटर कहते हैं। इसको इंक जेट प्रिंटर इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें कागज पर इंक मुंतकिल करने के लिए इंक को नोजल्स में से गुजारा जाता है। जिस तरह डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में एक पिन एक डॉट बनाती है, इसी तरह इंक जेट प्रिंटर में भी एक नोजल एक डॉट बनाती है। इंक जेट प्रिंटर्स कीमत में आमतौर पर सस्ते होते हैं। मशहूर इंक जेट प्रिंटर्स में HP, लेक्समार्क और एप्सॉन के प्रिंटर्स शामिल हैं। स्क्रीन डिस्प्लेस, इस वक्त आप जो आउटपुट डिवाइस देख रहे हैं इसे मॉनिटर कहते हैं। ये कंप्यूटर की बुनियादी आउटपुट डिवाइस है। मॉनिटर देखने में एक आम टीवी जैसा होता है। इसके जरिए हम कंप्यूटर में मौजूद टेक्स्ट, इमेजेस और दूसरे सॉफ्टवेयर्स देखते हैं और आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। मॉनिटर्स कई किस्मों के होते हैं। हम इनमें से CRT मॉनिटर्स, LCD मॉनिटर्स, मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर्स के बारे में आपको बताएंगे। CRT मॉनिटर्स, इस वक्त आप एक आम CRT मॉनिटर यानी कैथोड रे ट्यूब वाले मॉनिटर को अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। जो भी आप स्क्रीन पर देखते हैं उसको डिस्प्ले कहते हैं। जिस तरह टीवी पर कुछ बटन्स लगे होते हैं, इसी तरह मॉनिटर्स पर भी कुछ बुनियादी बटन लगे होते हैं जो हर किस्म के मॉनिटर पर मौजूद होते हैं। इनमें से एक पावर बटन होता है और बाकी बटन स्क्रीन के डिस्प्ले को ठीक करने या उसको बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। ज्यादा इस्तेमाल होने वाले मॉनिटर्स में फिलिप्स प्रोफेशनल ब्रिलियंस 107P और सैमसंग सिंक मास्टर 551V शामिल हैं। LCD मॉनिटर्स, क्या ये भी मॉनिटर है? जी हाँ, इस किस्म के मॉनिटर को LCD मॉनिटर्स का नाम दिया जाता है। इनमें लिक्विड क्रिस्टल्स इस्तेमाल किए जाते हैं जो कि आमतौर पर साइंटिफिक कैलकुलेटर्स में इस्तेमाल किए जाते हैं। इस किस्म के मॉनिटर्स की खासियत इनकी खूबसूरती और इनके वजन और साइज में है। CRT मॉनिटर्स के मुकाबले में ये पतले होते हैं, इसलिए इनको छोटी से छोटी जगह पर आसानी से रखा जा सकता है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि LCD मॉनिटर्स पर भी वही बुनियादी बटन लगे हुए हैं, इन बटन्स का यहाँ पर भी वही फंक्शन है जो कि दूसरी किस्मों के मॉनिटर्स पर होता है। मशहूर LCD मॉनिटर्स में सैमसंग सिंक मास्टर LCD, सोनी LCD मॉनिटर और डेल LCD मॉनिटर शामिल हैं। मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर्स, मॉनिटर्स को तो हमने देख लिया, अब हम मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर्स के बारे में सीखते हैं। कभी आप सिनेमा घर गए हैं? क्या आपने कभी सोचा कि जो फिल्म आप अपने घर में छोटी सी टीवी स्क्रीन पर देखते हैं वही फिल्म एक सिनेमा के अंदर बड़े पर्दे पर कैसे नजर आती है?
ये सब कमाल मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर का है। इसे मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर इसलिए कहते हैं क्योंकि ये ना सिर्फ मॉनिटर की डिस्प्ले को बड़ा और एनलार्ज करता है और किसी पर्दे या दीवार के ऊपर प्रोजेक्ट करता है, बल्कि इसके जरिए हमें आवाज भी आती है। प्रोजेक्टर का काम एक मैग्नीफाइंग ग्लास के काम जैसा होता है, क्योंकि ये बिल्कुल उसी की तरह एक तस्वीर को उसके ओरिजिनल साइज से बड़ा कर देता है। एप्सॉन पावर लाइट 811 मल्टीमीडिया और तोशिबा डिजिटल मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर के मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर्स ज्यादा मशहूर हैं। स्पीकर्स, वो आउटपुट डिवाइस जिसके जरिए हम कंप्यूटर में महफूज की हुई आवाज सुनते हैं, उसे स्पीकर्स कहते हैं। बाजार में मुख्तलिफ टाइप्स के स्पीकर्स दस्तयाब हैं। कंप्यूटर स्पीकर्स आम स्पीकर्स से मिलते जुलते होते हैं। एक कंप्यूटर के साथ यूजुअली दो स्पीकर्स लगे होते हैं। गौर करें कि इस वक्त आप इन्हीं स्पीकर्स के जरिए मेरी आवाज सुन रहे हैं। स्पीकर्स में यामाहा 5.1 और लॉजिटेक Z640 और दूसरे काफी मशहूर हैं। समरी। इस लेसन में आपने देखा कि आउटपुट किसे कहते हैं और इसकी कितनी किस्में हैं। इसके अलावा आम इस्तेमाल होने वाली आउटपुट डिवाइसेस में प्रिंटर्स, मॉनिटर्स और स्पीकर्स वगैरह शामिल हैं।